वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो है डिशवॉशर कैटेगरी से। आज हम बात करेंगे जिमेंस के IQ500 डिशवॉशर के बारे में। फ्री स्टैंडिंग कैटेगरी का ये मॉडल है 13 पे सेटिंग के साथ। फ्री स्टैंडिंग का मतलब आप इस डिशवॉशर को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, जहाँ भी आपके पास टैप कनेक्शन, पावर कनेक्शन और ड्रेन होस अवेलेबल हो। 13 प्ले सेटिंग का मतलब है कि 13% मील कंज्यूम करते हुए जितने यूटेंसिल्स वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आप इस डिशवॉशर के अंदर उन सारे यूटेंसिल्स को एक बारी में वॉश कर सकते हैं। एंड सिल्वर, आइनॉक्स एंड व्हाइट, दो कलर वेरिएंट के अंदर ये डिशवॉशर मिलता है। एंड इस डिशवॉशर के ऊपर कंप्लीट ओवरव्यू वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आप चेकआउट कर सकते हो, जहां पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस डिशवॉशर का आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस डिशवॉशर के होम कनेक्ट यानी वाईफाई फीचर के बारे में। जैसे कि ये एक IoT इनेबल्ड डिशवॉशर है, तो आप स्मार्टफोन के थ्रू आप इस डिशवॉशर को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसकी होम कनेक्ट ऐप के थ्रू इस डिशवॉशर को पेयर करने के बाद कैसा यूजर एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने अपने स्मार्टफोन या टैबलेट के अंदर उसके प्ले स्टोर में जाके या उसके ऐप स्टोर में जाके आपने होम कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कर देना है। एंड डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट टाइम साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, तो एक बार अपनी ईमेल आईडी के थ्रू आपको उसको साइन अप कर लेना है। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन के थ्रू अपने डिशवॉशर के साथ इसको पेयर किया हुआ है। डिशवॉशर को पेयरिंग मोड में लाने के लिए आपने डिशवॉशर का पावर ऑन करके रिमोट स्टार्ट के बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है कुछ सेकेंड तक, जब तक डिस्प्ले में CON करके साइन बनाना आ जाए। देन उसके बाद अपने स्मार्ट डिवाइस के अंदर होम कनेक्ट ऐप के थ्रू आप उस डिशवॉशर को सर्च करके उसको पेयर कर सकते हैं। तो फाइनली पेयर होने के बाद कनेक्टेड का साइन आपको लिखा हुआ आ जाएगा एंड डिशवॉशर का स्टेटस यहाँ पर ऑन दिख रहा है। एंड यहीं से हम इस डिशवॉशर को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने टैबलेट स्क्रीन के ऊपर, वहाँ से हम ये सब चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। तो ये इस एप्लीकेशन का होम पेज है, जिसके अंदर आपको कई और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक आपके पास अगर स्मार्ट ओवन है तो यहाँ से रेसिपी वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है। तो एप्लीकेशन की मेन विंडो के टॉप स्क्रीन पे आपको दो एरर्स देखने को मिल रहे होंगे, सॉल्ट का और रिंसेड MPT का, क्योंकि अभी ये दोनों चीज़ें हमने डिशवॉशर के अंदर रिफिल नहीं कराया, तो इसलिए ये दोनों चीज़ों का एरर हमें डिस्प्ले पे शो कर रहा है। देन उसके नीचे क्विक एक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला एक्शन मिल रहा है हमें पावर स्टेटस ऑन का। तो यहीं से हम इस डिशवॉशर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और ये आपको शो कर रहा है कि अभी आपका डिशवॉशर ऑन है। एंड सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है चाइल्ड लॉक का, जिसका स्टेटस अभी ऑफ दिखा रहा है, तो इसको आप ऑन करके डिशवॉशर के कंट्रोल पैनल को आप चाइल्ड लॉक भी कर सकते हैं। देन थर्ड ऑप्शन आपको दिखा रहा है इसमें टैबलेट काउंटर का। तो आपके पास डिशवॉशिंग टैबलेट जितनी भी अवेलेबल हैं उनका क्वांटिटी आप डिशवॉशर को बता सकते हो, ताकि जब वो टैबलेट्स ख़त्म होने वाली हों तो डिशवॉशर आपको इंडिकेट करे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ताकि आप नया पैकेट आप मार्केट से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। तो मतलब मैन्युअली रिकॉर्ड रखने का जरूरत नहीं है, डिशवॉशर आपको खुद से इन्फॉर्म करेगा। देन इसके कंट्रोल सेटिंग के अंदर हमें सारा वॉशिंग प्रोग्रामिंग का लिस्ट हमें मिल जाता है। तो डिफरेंट यूटेंसिल्स लोड के हिसाब से आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को चूज़ कर सकते हैं। एंड इन हर एक प्रोग्राम्स के आगे उनका वाटर कंजम्पशन एंड पावर कंजम्पशन का स्टेटस भी शो करता है, जिसमें से पहला प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें ऑटो 45 to 65 डिग्री। ये एक सेंसर कंट्रोल्ड प्रोग्राम है आपके नॉर्मली सॉइल डिशेज के लिए। देन सेकंड प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें इको 50 डिग्री का। ये एक मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोग्राम है आपके नॉर्मली सॉइल डिशेज के लिए। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें क्विक वॉश 45 डिग्री। ये एक रैपिड प्रोग्राम है जिसके अंदर क्विक क्लीनिंग मिलता है आपके लाइटली सॉइल डिशेज को हाफ एन आवर के अंदर। नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें प्रीरिंस का, जिसके अंदर डिशवॉशर आपके यूटेंसिल्स को कोल्ड वाटर से 15 मिनट्स के अंदर रिंस करता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री। ये प्रोग्राम बेस्ट सुटेबल है आपके हैवीली सॉइल डिशेज के लिए, लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैंस, जिनको प्रॉपर तरीके से आप इस प्रोग्राम के अंदर वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें एक्सप्रेस स्पार्कल का, 1 आवर का ये रैपिड प्रोग्राम है आपके नॉर्मली सॉइल्ड एंड हैवीली सॉइल डिशेज के लिए। देन लास्ट प्रोग्राम आपको मिलता है फेवरेट का, जिसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने फेवरेट सेटिंग्स को। देन नेक्स्ट हमें इस डिशवॉशर के अंदर 4 वॉश ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनको हम लोग चाहें तो प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन मिलता है आपको एक्स्ट्रा ड्राई का, जिसकी हेल्प से हम अपने डिशवॉशर का ड्राइंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं।
ताकि प्लास्टिक के यूटेंसिल्स भी प्रॉपर तरीके से ड्राई हो सके। देन सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है इसमें हाफ लोड का। तो अगर आपके पास कम गंदे बर्तन है और कम क्वांटिटी में बर्तन है तो हाफ लोड ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो प्रोग्राम के साथ, जिसकी हेल्प से आप वाटर, एनर्जी और टाइम तीनों चीज़ें सेव करते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको इंटेंसिव जोन का। इसकी हेल्प से आप साइमल्टेनियसली डिशवॉशर के अंदर अपने डेलिकेट्स एंड हेविली सॉइल्ड डिशेस को एक साथ वॉश कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इंटेंसिव जोन को एक्टिवेट करते हैं तो डिशवॉशर के अंदर जो उसका पेनिट्रेशन पावर है वो बॉटम वाले बास्केट में ज़्यादा रहता है, जहाँ पर आपने हेविली सॉइल्ड डिशेस या अपने बड़े बर्तन रखने हैं। एंड अपर वाली बास्केट में पेनिट्रेशन पावर कंपैरेटिवली कम रहता है, तो जहाँ पर आप अपने डेलिकेट यूटेंसिल्स को रख के प्रॉपर तरीके से वॉश कर सकते हैं। सो इसकी हेल्प से आप दोनों टाइप के लोड्स आप एक ही प्रोग्राम के अंदर साइमल्टेनियसली वॉश कर सकते हैं। देन फोर्थ ऑप्शन आपको मिलता है इसमें वेरियो इको का, जिसकी हेल्प से आप डिशवॉशर के अंदर पावर कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको इसमें डिले वॉश का ऑप्शन मिलता है, तो जिसमें आप अपने डिशवॉशर को प्रोग्राम कर सकते हो स्टार्ट टाइम के लिए, तो मतलब कब आपका डिशवॉशर स्टार्ट हो आप वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो उस एप्लीकेशन के थ्रू। देन नेक्स्ट फीचर आपको मिलता है इसमें इजी स्टार्ट का, जिसके अंदर आप अपने डिशवॉशर को बता सकते हैं कि किस टाइप के यूटेंसिल्स आप वॉश करने वाले हो, जिसकी हेल्प से डिशवॉशर आपको बेस्ट प्रोग्राम एंड बेस्ट सेटिंग रिकमेंड करता है। तो जैसे यहाँ पर टाइप ऑफ डिशेस के अंदर आपको पहला ऑप्शन शो कर रहा है ग्लासेस एंड सेंसिटिव यूटेंसिल्स का, एंड सेकेंड ऑप्शन में आपको मिल रहा है पॉट्स, पैन्स एंड नॉन सेंसिटिव यूटेंसिल्स का, एंड थर्ड ऑप्शन आपको दिखा रहा है इसमें मिक्स लोड का। सो फॉर एग्जांपल हम लोग ग्लासेस एंड सेंसिटिव यूटेंसिल्स लोड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। देन टाइप ऑफ लोड यूटेंसिल्स को सेलेक्ट करने के बाद डिशवॉशर आपसे पूछता है प्रोग्राम का क्लीनिंग प्रेफरेंस, आपको किस तरीके का प्रेफरेंस चाहिए अपने इस प्रोग्राम के अंदर, जिसमें से पहला आपको मिलता है टाइम एफिशिएंट का, कि आप चाहते हैं कि डिशवॉशर के अंदर टाइम कम लगे। देन सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको एनर्जी एफिशिएंट, आप चाहते हैं कि एनर्जी आप सेव करें अपने प्रोग्राम के अंदर। थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है इसमें ऑटो ऑप्टिमाइज, जिसके अंदर डिशवॉशर खुद डिसाइड करता है कि उसको क्या सेटिंग्स रखनी है। फोर्थ ऑप्शन में आपको मिलता है एक्स्ट्रा साइलेंट का, अगर नाइट में आप डिशवॉशर यूज कर रहे हैं आप चाहते हैं कि डिशवॉशर का साउंड और कम हो जाए तो इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। देन फिफ्थ ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है इसमें एक्स्ट्रा हाइजीन, आप चाहते हैं कि डिशवॉशर के अंदर आपको और ज्यादा हाइजेनिक रिजल्ट्स मिले। देन लास्ट ऑप्शन के अंदर ये आपसे पूछता है एक्स्ट्रा साइन, आप चाहते हैं कि आपके यूटेंसिल जब वॉश होकर आए तो उसमें एक्स्ट्रा साइन आपको मिले। तो इन सारे क्लीनिंग प्रेफरेंस को आप इंडिविजुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन के अंदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे भी आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चूज कर लेते हैं एक्स्ट्रा हाइजीन को और ऑटो ऑप्टोमाइज को, तो जैसे ही हम लोग इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर हमें रिकमेंडेड प्रोग्राम जो डिशवॉशर कर रहा है वो कर रहा है ऑटो 45 to 65 degree एंड हाफ लोड का वॉश ऑप्शन उसके साथ एड ऑन है। इसी तरीके से दोबारा से हम लोग टाइप ऑफ डिशेस के अंदर ग्लासेस एंड सेंसिटिव यूटेंसिल्स को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्लीनिंग प्रेफरेंस के अंदर हम लोग सारे ऑप्शंस को टिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस सेटिंग्स को ओके करते हैं तो यहाँ पर डिशवॉशर हमें प्रोग्राम शो कर रहा है ऑटो 45 to 65 degree, जिसके अंदर दो वॉश ऑप्शन इसमें एड ऑन है, हाफ लोड का और एक्स्ट्रा ड्राई का। देन इसी तरीके से हम लोग टाइप ऑफ डिशेस के अंदर पॉट्स, पैन्स एंड नॉन सेंसिटिव यूटेंसिल्स वाले ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। देन उसके अंदर हम लोग क्लीनिंग प्रेफरेंस अपने हिसाब से हम चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा क्लीनिंग प्रेफरेंस हमें चाहिए। सेम इसी तरीके से हम लोग टाइप ऑफ डिशेस के अंदर मिक्स लोड वाले ऑप्शंस के अंदर भी हम लोग क्लीनिंग प्रेफरेंस को अपने हिसाब से हम लोग चूज कर सकते हैं। देन इसके कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन के अंदर आपको कस्टमर केयर नंबर मिल जाता है, इसके अलावा आपका प्रोडक्ट का मॉडल नंबर और प्रोडक्ट का सीरियल नंबर वगैरह भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। देन इसी तरीके से अप्लायंस इन्फॉर्मेशन के अंदर भी आपको अप्लायंस का सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। देन ये लास्ट में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो जिसमें डिशवॉशर के अंदर आप लोग प्रीसेट सेटिंग्स कर सकते हो, लाइक हार्डनेस सेटिंग्स को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से कई सारी सेटिंग्स आप इसमें चेंज कर सकते हैं।